एससीएफ आपको दिया हुआ है एक्स एक्स प्लस थ्री, एक्स एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है देन ए इक्वल टू, ए इक्वल टू क्या होगा, इसके यहां पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ए ऑप्शन में वैल्यू दी हुई है थ्री, बी ऑप्शन दिया हुआ है माइनस थ्री, ठीक है, सी ऑप्शन दिया हुआ है सिक्स और डी ऑप्शन इज माइनस फोर। तो आप सबको सॉल्व करना है और चैट बॉक्स लिखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई बेटा ठीक है, सबकी आ गई ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको आया? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसका बताना आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, देखो आप सब बोल रखा है, आपको बोल रखा है अपने को, देखो दो पॉलीनोमियल दिए हुए पी एक्स और क्यू एक्स, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स माइनस ट्वेल्व, ठीक है, और क्यू एक्स, क्यू एक्स हमें दिया हुआ है क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस एट, ठीक है। इसमें आपको एस सी एफ दिया हुआ है, एस सी एफ आपको दिया हुआ है इसमें एक्स माइनस फोर। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है देन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, आपसे पूछा है देन द सिंपलेस्ट फॉर्म, देन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज, इसके ऑप्शन देखो मैं लिख रहा हूं, आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऑप्शन ए है एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म दे रखी है आपको। ऑप्शन बी दिया हुआ है एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू। ऑप्शन आपको सी दिया हुआ है एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू। देन वॉट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ये आपको करना है। चैट बॉक्स में इसका है, देखो बेटा दिया हुआ है, देखो बेटा आपको पी एक्स क्यू एक्स दिया हुआ है और इसमें आपसे क्या पूछा है, आपको एस सी एफ दिया है एक्स माइनस फोर, ठीक है। तो मतलब क्या है, आपसे बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स क्या होगा। तो देखो बेटा आपसे जब बोल दिया कि बेटा यहाँ पर आपको एस सी एफ एक्स माइनस फोर दिया हुआ है, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि आपका x माइनस फोर दोनों का फैक्टर होना चाहिए बेटा। इसका मतलब ये भी यही होगा, जब आपका यहाँ पर एस सी एफ बेटा आपका x माइनस फोर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका x माइनस फोर इसका फैक्टर भी होगा और इसका फैक्टर भी होगा। तो बेटा यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, पहले आप क्या बोल दो, x माइनस फोर इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो यहाँ से बेटा आप क्या बोल सकते हो, फैक्टर तो यहाँ पर अप्लाई कर दो, x इक्वल टू फोर से पुट करो, तो बेटा कितना आएगा, यह आएगा 4 का स्क्वायर 16, यहां से आ जाएगा अपने पास कितना, आपने x 4 पुट किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 n और माइनस का 12 इक्वल टू 0 आएगा बेटा। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, कैसे कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो बेटा, यहां से कितना आ गया अपने पास 4 इक्वल टू 4 n और आपको मिल गया n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू मतलब आप इसमें n इक्वल टू 1 इसमें पुट करो तो आपको कितना मिल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व, इसके आप फैक्टर कर दो तो बेटा इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, आप उसको मिडिल टर्म से ब्रेक कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस थ्री। तो मतलब आपको पी एक्स के फैक्टर ये मिल गए एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। इतना समझ में आ गया बेटा, इतना समझ में आया क्या, कैसे हमने सॉल्व किया बताओ जरा, चिन्मय yes, समझ में आया बेटा, चिन्मय हिमानी सबको समझ में आया कैसे कर रहे हैं। अब बेटा आपका देखो x माइनस फोर इसका फैक्टर भी हो किसका, q माइनस इसका क्यू एक्स का, तो x माइनस फोर इज अ फैक्टर ऑफ क्यू एक्स, ये भी होगा x माइनस फोर इज अ फैक्टर ऑफ क्यू एक्स। तो यहाँ से इसमें पुट कर दो x इक्वल टू फोर तो कितना आ जाएगा 16 माइनस का ये 4m माइनस का 8 इक्वल टू जो, तो कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू 4m और आपका ये आ जाएगा m इक्वल टू 2 आएगा बेटा, m इक्वल टू आ गया। तो अब इसमें पुट कर दो आप तो आपका क्यू एक्स कितना बन जाएगा, क्यू एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, इसके फैक्टर कर दो आप मिडिल टर्म से तो बट आपके फैक्टर इसके आ जाएंगे एक्स माइनस फोर और ये आ जाएगा एक्स प्लस टू, जब उसको आप करोगे मिडिल टर्म से करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके बस अब बेटा देखो आपका पी एक्स तो ये आ गया और क्यू एक्स ये आया, आपसे पूछा है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, इसमें पुट कर दो। देखो अपना पहला पी एक्स कितना था,
ये था x माइनस फोर ब्रैकेट में x प्लस थ्री, ये था, और डिवाइड अपने पास क्या आ रहा है, ये अपने पास है x माइनस फोर और x प्लस टू। तो बेटा देखो x माइनस फोर यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, ये आ गया x प्लस थ्री अपॉन x प्लस टू। ऐसे इसको कर सकते हो। अब समझ में आ गया बेटा कैसे सॉल्व हुआ, बताओ जरा, आया बेटा समझ में कैसे सॉल्व हुआ? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा इसको ट्राई करना सब। मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो आपसे बोल रखा है इफ द जीरोस ऑफ द रेशनल एक्सप्रेशन। देखो एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन देखना, देखो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इफ द जीरोस ऑफ द रेशनल एक्सप्रेशन, इफ द जीरोस जीरोस ऑफ द रेशनल एक्सप्रेशन रेशनल एक्सप्रेशन इफ द जीरोस ऑफ द रेशनल एक्सप्रेशन, ये आपको देखो दिया हुआ है 3x plus 2a, साथ में ब्रैकेट में एक और फैक्टर दिया हुआ है 2x plus 1, ठीक है, r, इसके आपको बेटा जीरोस दिए हुए हैं, कौन कौन से, एक तो माइनस वन अपॉन टू है, r माइनस वन अपॉन टू एंड b अपॉन थ्री। तो इसमें आपसे बोला है देन द वैल्यू ऑफ a इज, देन द वैल्यू आपसे बोल रखा है देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू क्या होगी। इसमें बेटा देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। पहला ऑप्शन दिया हुआ है माइनस टू बी, दूसरा बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है माइनस बी अपॉन टू, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है माइनस बी अपॉन थ्री, एंड डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो जरा इसको सॉल्व करो और चैट बॉक्स में लिखो कि इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। ऐसे किया yes. आ गया बेटा, आ गया समझ, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपने सिंपल क्या किया है, ये आपने पुट कर दिया तो आपको a कितना मिल गया, माइनस b अपॉन 2 मिल गया। सबको समझ में आया बेटा, किसी को पूछना हो तो बेटा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वैसे कर सकते हो उसको आप। देखो बेटा इसमें आपको कुछ पॉलीनोमियल्स दिए हुए हैं, इफ hx इक्वल टू, बेटा आपको एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है hx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, x स्क्वायर प्लस x एंड जी वाई, एंड एक आपको दूसरा y का फंक्शन दिया हुआ है, y की फॉर्म में दिया है पॉलीनोमियल y क्यूब माइनस y, ठीक है। तो इसमें आपसे बोल रखा है देन द HCF ऑफ, क्वेश्चन में बोला है देन द HCF ऑफ, आपसे पूछा है HB, HCF ऑफ HB माइनस HA एंड GB GB minus GA is, ठीक है। इसके बाद आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है a plus b, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है b minus a, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है b square plus a square, ठीक है, और डी ऑप्शन आपको दिया हुा है b square plus ab plus a square। बी स्क्वायर एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके चलो बेटा, देखो बेटा बताऊं आपको, देखो बेटा आपको ये, आपको एक तो बेटा आपको ये दिया है पॉलीनोमियल, बी क्या है बेटा बताता हूँ ना, देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो बेटा आपको एच एक्स, आपको एच एक्स ये दिया हुआ है और जी वाई ये दिया हुआ है, आपको ये एच बी माइनस एच ए का मतलब क्या होगा, बहुत सिंपल है बेटा। देखो जब आपको एच एक्स, बेटा आपको एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो बेटा यहाँ से मैं एच बी लिख सकता हूँ क्या, सिंपली देखो बेटा क्या करो, x को b से रिप्लेस कर दो। बेटा हम करते हैं जैसे आपका एच एक्स है, यदि आपको निकालना है एच वन, तो बेटा आप क्या करते हो, आप x से बेटा यहाँ पर क्या पुट करते हो, वन पुट करते हैं बेटा। अब समझ में आया क्या, ठीक है। देखो बेटा एच बी अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी, इसमें से बेटा b कॉमन निकाल लो आप, तो अंदर कितना बच जाएगा आपके पास, बी प्लस वन बच जाएगा, ये आपका एच बी आ गया। बेटा ऐसे यहाँ से एच ए निकाल दो, तो देखो एच ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए, ए कॉमन निकाल लो तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस वन। आपके पास बोल रखा है एच बी माइनस एच ए, तो पहले आप निकाल लो एच बी माइनस एच ए, एच बी माइनस एच ए। देखो बेटा एच बी चाहो तो देखो आप इसको ही पुट कर दो, बाद में अपन थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, आप इसको ही पुट कर दो। एच बी अपने पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी है, माइनस बेटा एच ए से क्या इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा। थोड़ा बेटा इसमें पेयर फॉर्म कर लो, ऐसा करो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को साथ में लिख लो बेटा, ठीक है ना, और बी माइनस ए को साथ में लिख लो। हम बेटा इसके फैक्टर्स कर रहे हैं,
तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए बी प्लस ए, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्लस में बी माइनस ए। बेटा पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बी माइनस ए, तो बेटा क्या बच जाएगा अंदर, अंदर बच जाएगा बी प्लस ए प्लस वन। इतना समझ में आएगा बेटा, ये आपका आ गया एच बी माइनस एच ए। सबको इतना समझ में आया क्या, पहले बताओ यहाँ तक, फिर आगे बढ़े करते हैं। जी बी माइनस जी ए निकाल लो, तो देखो बेटा जी बी माइनस जी ए, हाँ बेटा ऑप्शन बी आएगा सही है। देखो बेटा जी बी माइनस जी ए निकालते हैं, देखो बेटा जी बी माइनस जी ए, देखो बेटा जी एक्स जी वाई अपने पास कितना है, वाई क्यू माइनस वाई है, तो जी बी क्या हो जाएगा, बी क्यू माइनस बी हो जाएगा बेटा, लिख दूं, माइनस जी ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू माइनस ए। समझ में आया बेटा, हमने कर दिया, थोड़ा ब्रैकेट्स को ओपन कर लो बेटा, बी क्यू माइनस बी ये हो गया माइनस का ए क्यू माइनस माइनस प्लस ए हो गया। बट अगेन क्या करो, पेयरिंग कर लो, तो बी क्यू माइनस ए क्यूब को साथ में लिख लो बेटा, ठीक है ना, और यहां से क्या करो माइनस कॉमन निकाल दो, और माइनस कॉमन से क्या होगा, ये बी माइनस ए आ जाएगा। बेटा इसको अपन आगे सॉल्व कर ले, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बी क्यू माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी होती है बेटा, बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर होती है आइडेंटिटी, ए क्यू माइनस बी क्यूब की वो अप्लाई कर दिया, ये आपका बी माइनस ए एज इट इज। बेटा पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बी माइनस ए, तो बेटा क्या बच जाएगा हमारे पास अंदर, अंदर बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस का वन। बेटा ये बच जाएगा ना, सबको समझ में आ रहा है, तो बेटा ये आपका आपका आ गया जी बी माइनस जी ए। इसका इसका एस सी एफ पूछा है बेटा, तो बेटा एस सी एफ हम क्या लिखते हैं, लीस्ट कॉमन, तो बेटा कॉमन पार्ट देखो क्या आ रहा है, इसमें बी माइनस ए है, इसमें बी माइनस ए है, तो बेटा एस सी एफ कितना आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। सबको समझ में आएगा बेटा, पूछो पूछो बॉक्स में आंसर लिखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सेम बेटा ऐसे क्वेश्चन है, इसमें आपको एच वाई दिया हुआ है, इफ एच वाई इक्वल टू वाई क्यूब दिया हुआ है, एंड दूसरा आपको दिया हुआ है जी जेड इक्वल टू, ये दिया है आपको जेड रेस्ट टू द पावर फोर, ठीक है, देन द एस सी एफ ऑफ आपसे बोला है, देन द एस सी एफ ऑफ ये आपको पहला बोल रखा है एच बी माइनस एच ए, एच बी माइनस एच ए, एंड दूसरा आपसे बोल रखा है जी बी माइनस जी ए। आप सब सॉल्व करते जाओ, मैं यहां पर ऑप्शन लिख रहा हूं, इज इसके ऑप्शन दिए हुए, ए ऑप्शन दिया हुआ है बी माइनस ए, बी ऑप्शन दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया हुआ है बी क्यूब माइनस ए क्यूब, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। रॉन्ग है बड़ा चिन्ह में, चेक करो एक बार, इतनी जल्दी मत करो, आराम से करो, समझ में आया, ठीक है बेटा अंजन, यस ओके। तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन बी माइनस ए, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करना आपको ही करना है, चैट बॉक्स में आंसर एक्स प्लस ए, फाइव एक्स प्लस ए, ठीक है ना, और दूसरा आपको जी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री है, और साथ में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बी, ठीक है, इनका बेटा आपको एस सी एफ दिया हुआ है, एस सी एफ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है, तो बेटा इसमें आपसे पूछा है देन देन सिक्स ए प्लस बी इज, मतलब आप ए और बी फाइंड करोगे, उसमें इसमें पुट करोगे, तो आपको सिक्स ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, वो आपको पता नहीं कौन सी आएगी, ए ऑप्शन माइनस सिक्स दिया हुआ है, बी ऑप्शन फाइव दिया हुआ है, बी ऑप्शन फाइव दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है सिक्स, और डी ऑप्शन दिया है माइनस फाइव, तो सिक्स ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है, देख के बेटा सब ट्राई करो, ए और बी पहले फाइंड करो, ठीक है, सबको समझ में आया ना बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। बट चलो एक क्वेश्चन करना, एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो एक के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो फिर आपने ज्यादातर ऐसे वाले क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, देखो एक क्वेश्चन देखो लास्ट बेटा, खुद ही आपको सबको बेटा आंसर देना है इसका, आपको देखो बेटा यहाँ पर आपके पास दो पॉलीनोमियल्स दिए हुए हैं,
एक आपको एफ एक्स दिया है, अब बेटा इसमें आप यार क्वेश्चन आपका एलसीएम का है, इसमें आपको बेटा एफ एक्स दिया है एक्स की पावर 9, एक्स एस टू दी पावर 9 प्लस एक्स एस टू दी पावर 6 प्लस एक्स क्यू प्लस 1 प्लस एक्स क्यू प्लस 1 और इसमें आपको जी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू एक्स एस टू दी पावर 6 माइनस 1। ओके बेटा इसमें आपको एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम आपसे बोल रखा है एक्स रेस टू दी पावर 12 माइनस 1। तो इसमें आपसे पूछा है एससीएफ कि एससीएफ क्या होगा, तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है एक्स की पावर 3 प्लस 1, बी ऑप्शन दिया हुआ है एक्स की पावर 6 प्लस 1, सी ऑप्शन दिया हुआ है एक्स की पावर 3 माइनस 1 एक्स क्यू माइनस 1 और डी ऑप्शन दिया हुआ है एक्स की पावर 6 माइनस 1। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें बेटा इसको, कैसे सॉल्व करें, किसी कोई आइडिया? सर बी आंसर होगा क्या? नहीं बी नहीं होगा इसका, कैसे सॉल्व करें बेटा कोई आइडिया? सर डी होगा क्या बेटा? कौन सा सर? डी नहीं, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी भी नहीं, नहीं बी नहीं होगा, सी होगा इसका, तो सारे तो बोल ही दिए, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर सर ए होगा, बस ए ही नहीं बोला है ना, इसका आंसर होगा ए। देखो बेटा कैसे बहुत सिंपल है, गलती हो गई, ए बोलना चाहिए था, एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, पहले आप थोड़ा इनको बेटा सॉल्व कर लो, fx इक्वल टू बेटा इसको देखो अपन, इसको देखो अपन इसके फैक्टर कर ले क्या, इसको साथ में कर दो बेटा, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर 6 कॉमन निकाल लो तो कितना बच जाएगा, x क्यूब प्लस 1 बच जाएगा। ओके और ये आपका है x क्यूब प्लस 1 बेटा, यहां से अगेन इसको सॉल्व करो, तो यहां से आपको बेटा fx कितना मिल जाएगा, fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 और यहां से आ जाएगा x टू द पावर 6 प्लस 1, ये आपका आ गया fx। gx बेटा अपन फर्दर सॉल्व कर ले क्या, देखो x की पावर 6 है ना, तो देखो इसको आप कैसे लिख लो, इसको आप बोल दो x की पावर 3 है और पावर 2 बोल दूं माइनस 1, इसमें अप्लाई कर दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बेटा क्या हो जाएगा a माइनस b x क्यूब माइनस 1 और a प्लस b से आ जाएगा x क्यूब प्लस 1। इतना समझ में आएगा बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, इतना समझ में आ गया सर? आपका fx x क्यूब प्लस 1 into x ये कैसा है, fx ये कैसा है, कौन सा हो रहा ये fx? हां सर, अरे ये तो कॉमन लिया बेटा मैंने, मैंने देखो पहले यहाँ से कॉमन ले लिया, यस सर यस सर, आ गया। अब बेटा देखो एलसीएम में इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, अपने पास एक्स की पावर 12 माइनस 1 है, तो इसको मैं क्या लिख ले, एक्स की पावर 6 पावर 2 लिख लो। हाँ बोलो बेटा सर, लेकिन अपन को इसमें एचसीएफ निकालना है, तो इन दोनों में से कॉमन देख लेंगे ना, एलसीएम की क्या जरूरत है, किन में से कॉमन देख लेंगे इनमें से? हाँ 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 ठीक है, वैसे देख लो, सही है सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है आपको बेटा एससीएफ से, तो एससीएफ क्या इन दोनों कॉमन देख लो, एफ एक्स ये है जी एक्स बेटा कॉमन, तो अपने पास वो क्या आ रहा है, देखो ये बेटा ये कॉमन है ना, ये कॉमन है, तो बस आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन आ गया। ओके बेटा समझ में आया बेटा, इसको आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे अपने पास एक फॉर्मूला होता है ना, एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई एस सी एफ, उससे भी कर सकते हो, पर आपका आंसर देखो यहीं से आ रहा है, तो यहीं से कर लोगे इसको। सबको समझ में आएगा बेटा, क्योंकि एस सी एफ क्या होता है, हमें देखते हैं कॉमन लीस्ट कॉमन, तो देखो बेटा आपका एक्स क्यूब प्लस 1 इसमें भी और इसमें भी है, तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। सबको समझ में आएगा बेटा, हुआ क्लियर, कैसे करना है? यस सर, बताओ जरा। यस सर, यस सर। चलो बेटा, तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, अब बेटा कल मैं इसकी शीट जो है ना थोड़ा इसको सॉल्व करना, कल अपन वो शीट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो मैंने आपको शीट दी हुई है, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, ठीक है ना? ओके सर, ठीक है बेटा, और बेटा हिमानी, हिमानी एंजल और परिधि बेटा, आप 10 मिनट्स बाद ज्वाइन कर लेना, ठीक है बेटा, रिवीजन क्लास। ओके ठीक है, ओके सर, ओके बेटा, ठीक है ना, थैंक यू सर, वेलकम बेटा, थैंक यू सर, वेलकम बेटा।